तो यार जैसा कि आपको पता है कि दुल्हा भाई भी यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा जो है मुझे पसंद आया। दुल्हा भाई क्या कर रहे हो यार? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग हमारा काफी ज्यादा मजा वाला, क्योंकि डेली व्लॉग तो आपके लिए मैं बनाते ही रहता हूँ, तो आज का भी डेली व्लॉग मैं काफी दिनों के बाद बना रहा हूँ। अच्छा तो अभी आपको बताऊँ कि आज जुम्मे का दिन है और अभी अभी हमारी सुस्ती वगैरह नहीं उतरी, तो अभी हम लोगों ने जुम्मा वगैरह पढ़ के आ गए और मेरे साथ शकील भाई है। कैसे शकील भाई? मैं नहीं बताऊंगा, तारुफ तो करवा दें यार, बस बहुत जानते हैं, जानते हैं आप ही अभी। अच्छा तो गाइस आज की वीडियो में हमें कोई पता नहीं हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जुम्मा वगैरह तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी चलते हैं मरकज में कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आज जो जो भी आज हम लोग काम करेंगे वो भी सारे के सारे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है समरिया, अगर आपको भी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वैसे भी आपको कहूँ की यार अभी हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा लिया, तो अभी का हमारा प्लान जो है वो गोल्डन शिफ्ट का बन चुका है, तो अभी हम लोग यार चलते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आज हम लोग कहाँ कहाँ भी घूमने फिरने चलते हैं। फाइनली यार अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी चेकिंग वगैरह करते हैं और अंदर जाके अपना फेस दिखाते हैं। फाइनली यार अभी हम लोग आ चुके हैं, तो अभी हम लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और ये साथ मेरे साथ वाले अब्दुल्ला भाई और शजील भाई भी, आप जैसा कि आपको पता है, तो अभी हम लोग चलते हैं यार। आज हमारे साथ अदील भाई भी आए थे तो घूम फिर लेते भी हैं, और क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद आया था, लास्ट टाइम मैं जब आया था उस टाइम मैं जो है वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता था, तो अभी हम लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि आज क्या देखने को मिलता है यार। तो यार जैसा कि आपको पता है कि आज का जो है इलेक्शन कर रहे हैं और आठ तारीख भी हो चुके हैं, बल्कि 9 तारीख हो चुके हैं, तो इलेक्शनों का कोई पता नहीं चला कि इमरान खान जीता, पीटीआई या नवाज शरीफ, कोई आइडिया भी नहीं है और अभी तक उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। आपको बताऊँगा एक और मजे की बात कि F11 में तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन बना हुआ है जगह, और वहाँ पे जो ना पूरे पाकिस्तान की रात को गाड़ियाँ आई थी, मैंने वो भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वहाँ पे भाई मैं आपको बताऊँ इतनी पुलिस थी कि भाई मैं वीडियो बनाना वहाँ पे लाउ नहीं समझता था, क्योंकि ये ना हो कि मुझे उठा के कहीं ले जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूमते फिरते हैं, इन्जॉय करते हैं और आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी करें कि आप लोगों ने किसको वोट डाला है। तो भी आपको कहूँ कि अभी हम लोग दोबारा दरबार के अंदर आ चुके हैं, पता नहीं अंदर आए हैं या बाहर, अभी तक कोई तो इसकी मुझे कोई लोकेशन का नहीं पता चल रहा, और यहाँ पे शूज़ वगैरह जमा करवाने का यहाँ पे भी भाई वो इशू चलता है फैसल मस्जिद वाले, यहाँ पे उस तरह की पब्लिक नहीं है, मुझे लगता है अगर पब्लिक हो का हो रहा तो फिर मैं आपको दिखाऊं। अभी मेरा दिल यार ऊपर चलता है, ऊपर जाके भी देख लेता हूं और इस साइड से और क्या क्या चीज़ दिखती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये पड़े हुए हैं सब लोग। खैर हमेशा इंसान एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि आखिरकार इंसान ने यहाँ से जाना ही होता है, तो आज मैं भी थोड़ी अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। अभी आपको कहूँ कि यहाँ पे यार मुझे कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिली है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे दिल अंदर चलते हैं या बाहर से पहले घूम फिर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो कोई अंदर लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं किस लिए बैठे हैं। अब्दुल्ला भाई कुछ पता है क्यों बैठे हुए? दम शम करते हैं। दम शम? अच्छा दम आप तो नहीं, दम आपने तो नहीं? मैं खुद करता हूँ यार। अच्छा आप खुद? ये मेरा दम। अब्दुल्ला का कोई दम शम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दम करता हूँ ज्यादातर लड़कियों के। ओए चुप चुप आ इधर, बाहर में हो थोड़ा सा। सॉरी 15 से लेके 30 उम्र तक जिसको बीमारी है। अब्दुल्ला भाई क्यों भाई मेरे साथ वो रब्ता करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं? यहाँ पे हम लोग शूज वगैरह रखते हैं और अंदर चलते हैं। पहले शूज़ वगैरह तो हम लोगों ने रख ली, लेकिन यहाँ पे भाई जिधर भी जाओ ना लूटने का तो उनका अपना ही तरीका होता है। यहाँ पे फी जोड़े का जो है ना 20 रुपीज़ ले रहे हैं, तो हम चार बंदे हैं तो 480 रुपये बस भाई। आपको क्या बताऊँ, जहाँ पे भी जाओ ना यार ये रूल तो लाजमी होता है। आपको कहूँ कि आज यहाँ पे भी है काफ़ी लोग बैठे हुए, लेकिन इनका कोई मुझे आइडिया नहीं है किस लिए बैठे हैं, यहाँ पे दम करवाने के लिए आए या दम करने के लिए आए हैं। देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप के लोग आते हैं। चेक करें हमारी छोटी टीम। आज मैं जो है ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ पे मैं देखता हूँ यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है घूमने फिरने के लिए, और फर्स्ट टाइम आया हूँ देखता हूँ यार आई लोग भी थोड़े सा कम है, लेकिन देख लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और लोगों के साथ भी देखते हैं यार किस टाइप के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, दरबार वगैरह भी देखते हैं और आप लोग देखो यार बच्ची खैर। तो आप लोगों ने देखा यार यहाँ पे तो 4-5 कब्रें बनी हुई हैं, तो ये भी पीर साहब की बनी हुई हैं। खैर अभी तो दुनिया से चले गए हैं। अभी आपको मैंने बताया कि फर्श आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ है, और ये चेक करो यहाँ पे अपनी वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पे भी जो है ना कब्र बनी हुई है, उस साइड पर तो मैंने आपको दिखाई है और इस इधर भी बनी हुई है, इसका भी देख रहे हो तो यहाँ पर कौन से पीर मेरा मतलब कब्र में, तो यहाँ पर देखें सब बच्चे तो आके घूम फिर रहे हैं जस्ट, तो घूमने फिरने चाहिए यार। तो अभी हम लोग यार और देखते हैं कुछ नया दिखता है, तो वैसे तो हम लोग दुआ करने आए थे भाई इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो हम लोगों ने
दुआ इमरान खान के लिए की है, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कुछ नया दिखता है तो अभी और हम लोग तो मज़ीद घूम फिर लेते हैं। आज यहाँ पे जो है ना, मैं काफ़ी दिनों बाद आया था घूमने फिरने के लिए, लेकिन आज दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है यार घूमने फिरने के लिए। चलो यार, यहाँ पे मुझे सबसे यूनिक चीज़ जो है ना वो एक ही चीज़ लगी है, वो ये चीज़ है। इस चीज़ के बारे में आपको पता चल गया होगा, ये भाई ताला चेक करो भाई, इसका तो वजन ही इतना ज़्यादा, ओ माई गॉड। चलें जी अभी हम लोग भी निकलते हैं वापसी। पहले अभी जो है ना मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ यहाँ पे अपना बाइक लेने, लेकिन ये चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, शूटिंग हो रही है। अब्दुल्ला भाई क्या कर रहे हो यार, ये चेक करो गाइस, इसके काम चेक करो। अभी हम लोग यार यहाँ पे जिम के बारे में पता करने आए थे, लेकिन यहाँ पे जो ना यहाँ के सो यार जैसा कि आपको पता है कि अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करो, सबसे पहले तो बाइक लूँगा, उसके बाद जो है ना BMW। लोग ने देख लिया यार मेरा फेवरेट जो है ना, मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम लोग चलते हैं जिम में, चलो यार लेट्स गो। वाह अमेजिंग। सो अभी हम लोग आ चुके हैं जिम में, और जिम का भी थोड़ा सा विजिट वजिट करते हैं और फिर निकलते हैं वहाँ। काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, चारों साइडों पर शीशे, और इनके काम चेक करो। यहाँ पे भी आते हैं ना ये तो ना, ये ऐसा काम लाजमी करते हैं। थोड़ा सा डांड बांड निकाल लूँ, उसके बाद जो है मैं निकलता हूँ यहाँ पे। वैसे अभी हम लोग जो है ना दूसरी साइड से आपको भी दिखा देते हैं और देख भी लेते हैं। ओ वाह यार काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये मेरे से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई। मैं तो यही सोच रहा था यहाँ पे ही अपने फेस वगैरह बना दे, और यहाँ पे जो है ना बहुत बढ़िया सीन है यार। फोटो गाइस चेक करो यार, इनके काम चेक करो यार, ओह माय गॉड। हम लोग निकलते हैं यार, काफी शुगर मेला हो चुका है हमारा, अभी हमें जो है काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी हम लोग निकलते हैं यार वापस। पाऊँ के जिम में इतनी मज़े की मुझे लगी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी है, और इसकी फीस भी जो है ना नॉर्मल लगी हुई है 2000। सो यार आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जिम में भी विजिट किया, दरबार में भी, जिम मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी। ऐसे अब्दुल्ला भाई जी भैया भाई, मेरा तो दिल किया है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे काफ़ी अच्छी जिम लगी है, तो मेरा दिल किया यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दूर बहुत ज़्यादा, इसकी मैं इसको यही कहता हूँ कि भाई कि दूसरे सेक्टर में आ जाओ, तो हम लोग इसके पास आ जाकर। तो अभी हम लोग चलते हैं यार वापसी, कुछ देखते हैं और कुछ खाने पीने के लिए कुछ और नया मिलता है तो वो भी आपके साथ चलते हैं। हम लोग जैसे ही निकलने लगे थे तो ये चेक करो, शेर आया भाई, शेर आया, चेक करो वाह। हाँ जी ये चेक करो भाई, सजील भाई ने जो है ना यहाँ पे अपना व्लॉग शुरू कर लिया।